नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। इस वीडियो को बनाने का मेरा दो मकसद था। पहला, एक तो मैं ऑलरेडी सीरीज चला रहा हूँ जिसकी ये पांचवी वीडियो होगी, जिसमें मैं कुरान की कुछ आयतों को आपके सामने रखता हूँ, जो कॉन्ट्रोडिक्शन मुसलमान रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में आपके सामने दिखाता है कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा। हम तो पक्के मुसलमान हैं, पक्का कुरान के डूज एंड डोंट्स पे चलते हैं। और कुरान एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्म को या हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ, नहीं, हिंदुइज्म इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कुरान इज द वे ऑफ लाइफ। कैसे? क्योंकि कुरान में क्लियर डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। ठीक, एक एक स्टेप के बारे में बताया गया है। तो उसी तरीके से किताब में जो लिखा है, जो कि कभी ना बदला गया ना कभी बदला जा सकता है, और जो बिल्कुल नहीं मानेगा वो मुनाफिक है। जिसको मेरी टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही होगी वो समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुनाफिक कौन होते हैं? जो खुद को मुसलमान कहते हैं पर कुरान में लिखी बातें नहीं मानते हैं, वो मुनाफिक होते हैं। मुशरिक कौन होते हैं? क्योंकि इन सब का जिक्र होने वाला है तो मैं पहले टर्म्स क्लियर कर दूँ। मुशरिक कौन होते हैं? जो अल्लाह के साइड में या अल्लाह के बराबर किसी और को भी समझते हैं, किसी और को मानने लग जाते हैं, मानने ना माने एटलीस्ट किसी और की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि कोई और भी है, जो कि आपको नहीं करना। अगर आप कर देंगे तो आप मुशरिक भी हैं। और उसके बाद आते हैं मोमिन, यानी मुसलमान। मोमिन वो होते हैं जो पूरा 100% कुरान में जो लिखा है स्टेप बाय स्टेप ज़िंदगी को वैसे ही जीते हैं। पांच वक्त की नमाज करेंगे, ज़कात देंगे वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें, तो जो लिखी है वो चीज़ें फॉलो करेंगे, वे ऑफ लाइफ को मानेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सॉरी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता मैं, लेकिन बहुत क्रिटिकल पॉइंट है ये कि सदगुरु ने एक मुहिम शुरू की है कि तमिलनाडु के टेम्पल्स को फ्री किया जाए, और इन जनरल पूरे इंडिया में टेम्पल्स वे जो स्टेट का हक है, जो टेम्पल्स का दान पेटी है, जो चैरिटी बॉक्स है उस पर जो हक है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, वो हट जाए। टेम्पल्स का सारा, टेम्पल्स यानी सारे रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल बार बार इसलिए बोला जा रहा है पिन पॉइंट करके, क्योंकि सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही राज्य सरकारों ने अपना हाथ जमा के रखा है, उस पर अपनी पकड़ बना के रखी है कि हमारा कंट्रोल है, रेवेन्यू पे हमारा है, और हम पैसा ना के बराबर आपको देंगे उसकी मेंटेनेंस के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो इस बात की डिटेल में सदगुरु कई बार कह चुके हैं। इस वीडियो से भी उसका कुछ लिंक है, मैं आगे बताने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम पे सदगुरु का आप लोग साथ दीजिए। सदगुरु एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी इमेज है उनकी, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तमिलनाडु में सरकार बनने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जानबूझ के वो चाहते हैं कि इस चुनाव में कुछ चीज़ें क्लियर हों, असर पड़े, प्रेशर पड़े कि ये डिसीजंस आएँ कि हम आएंगे सत्ता में तो ये चीज़ें करेंगे। तो आप अगर साउथ से हैं तो बिल्कुल करिए, अगर नॉर्थ आप किसी भी जगह से हैं, अगर आप अपने स्टेट के टेम्पल्स को फ्री कराना चाहते हैं तो कराइए, वरना कुछ समय बाद, जैसा सदगुरु कहते हैं, अगले 10 15 20 25 साल बाद टेम्पल सारे एक्सटेंट हो जाएंगे, कुछ मेजर टेम्पल्स को छोड़ के जो गिने चुने हैं। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। कुरान की दो आयतें मैं कोट करना चाहता हूँ और आपको साइड में दिख जाएंगी, और मेरे हाथ में किताब भी है, ठीक है, मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा और आपको दिख जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, बड़ा करके जूम करके आप पढ़ सकते हैं। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 17 और 18, ठीक, आपके पास भी होगी किताब अगर आप मुसलमान हैं तो, और नहीं है फिर भी जानना चाहते हैं और हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है या फिर उसे वो हिस्सा नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। तो सूरा नंबर 9 का आयत नंबर 17 क्या कहती है? इट इज़ नॉट फॉर द मुशरिकीन, यानी कि पॉलीथीस्ट, आइडोलेटर्स, पेगन्स, डिसबिलीवर इन द वननेस ऑफ अल्लाह। मुशरिकीन को ब्रैकेट में करके लिखा है कि मुशरिकीन होते कौन कौन हैं, यानी मैंने बता दिया था मुशरिकीन कौन कौन होते हैं, जो अल्लाह के बराबर किसी दूसरे को भी मानते हैं, अल्लाह के बराबर किसी और को समझते हैं। जैसे ना एक गांधी जी का नारा था कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मानित दे भगवान, और हम सारे लोग सारे धर्म बराबर होते हैं, भगवान अल्लाह सब एक ही होता है, ऐसा कहते ही आप मुशरिकीन हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट फॉर द मुशरिकीन टू मेंटेन द मॉस्क ऑफ अल्लाह, टू मेंटेन द मॉस्क ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मॉस्क को मेंटेन करना मुशरिकीन के लिए नहीं है, मुशरिकीन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो उनका मॉस्क मेंटेन करे, ठीक, दैट इज टू प्रे एंड वर्शिप अल्लाह देयर इन, टू लुक आफ्टर देयर क्लीनलीनेस एंड देयर बिल्डिंग,
ठीक है, बिल्डिंग और उसकी सफाई पे ध्यान देने की ज़रूरत नॉन मुस्लिम्स को नहीं है। कैसे मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ, अयोध्या में जो मॉस्क बनने जा रही है उससे। While they witnesses against their oneself of disbelief, the work of such are in the vain and in fire shall they abide. तो 17 में ये लिखा है कि उनके लिए ये सब काम नहीं है भैया, वरना उनको उनका क्या हश्र होगा, वो भी उसके बारे में लिखा हुआ है, फायर शैल दे अबाइड, ठीक है। 18 में क्या लिखा है, मॉस्क द मॉस्क ऑफ अल्लाह शैल बी मेंटेन्ड ओनली बाई दोज हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे, परफॉर्म सलात, सलात जैसे अरबी टर्म है, यहाँ पे नमाज बोला जाता है, वहाँ सलात बोला जाता है, एंड गिव ज़कात एंड फियर नन बट अल्लाह, इट इज दे हु आर ऑन ट्रू गाइडेंस। मुझे लगता है इतना बता देने से जो मुसलमान है वो कम्युनिटी जागेगी, उनके मुसलमानियत जागेगी, जैसे इंसानियत होता है ना, मुसलमानियत जागेगी और कहेगी, मतलब मुसलमान कहेंगे कि भैया हम सच्चे मुसलमान हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि काफिरों के पैसे से कोई मस्जिद बन रही है, उसका कोई भी मेंटेनेंस हो रहा है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी है, हम जितने भी 15 करोड़ 20 करोड़ जितने मुसलमान हैं हम अपना पैसा लगाएंगे, जैसे राम मंदिर के लिए चंदा जुटाया जा रहा है ना, हम वैसे ही जुटाएंगे और फिर बनवाएंगे। वैसे देखा जाए तो धरती भी बिलीवर्स की ही है ना, काफिरों की ही है, चलो उसको एक बार तो साइड भी कर देते हैं, जो यहाँ पैदा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वगैरह 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 सबका सब जो भी राइट्स दिए हुए उसको चलो साइड कर देते हैं, लेकिन फिर भी काफिरों से कुछ भी लेके बनाना, काफिरों के यहाँ से स्टील खरीदना, काफिरों के यहाँ से ईटा खरीदना, काफिरों के यहाँ काफिरों को लेबर रखना, हर तरह से चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाती। तो अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो अवॉइड करिए ये हराम, वरना फिर आप मुनाफिक माने जाएंगे, और मुनाफिकों की सज़ा इतनी कड़ी होती है, 70 कोड़े होते हैं शायद, और उतने में आदमी बेहोश हो जाता है, कोई कमज़ोर है तो मर सकता है, मतलब ये वहाँ होता है जहाँ शरिया लागू होती है। लेकिन अगर आप कुरान में मानते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सरकार से अपील करनी चाहिए पूरी कम्युनिटी को कि हम सच्चे मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और हम नहीं चाहते कि बिलीवर्स, पेगन्स, आइडोलेटर्स, मूर्ति पूजक यानी उनका कोई भी एक रुपए का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे वो मटेरियल देने में हो, चाहे वो उनके टैक्स का पैसा हो जो सरकार के पैसे के थ्रू आ रहा हो, है ना, क्योंकि आप ये दावा नहीं कर सकते कि अगर यूपी में मस्जिद बन रही है तो जिस पैसे से बन रही है उसका 70% पैसा जो सरकार लगा रही है, जो कहीं से भी लग रहा है, वो आपका ही लग रहा है, उसमें नॉन मुस्लिम्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, कहीं ना कहीं है, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जिसको श्रद्धा से देना दे, जिसको नहीं देना ना दे, हम मांगने नहीं गए, आप अपने सेकुलर आउट ऑफ यू नो वननेस अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं, हम भी देना चाहते हैं दे सकते हैं आपके मस्जिद के कॉन्ट्रीब्यूशन में, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो देना चाहता दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द थिंग इज कि आपको नहीं लेना चाहिए, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो कुरान अलाउ नहीं करते। बाकी नरक वरक आप लोग जानते हैं, हेल फायर में भुनना उनना कैसा लगता होगा, क्योंकि आपको जन्नत का भी एहसास है, 72 हूरों का भी एहसास है, वहाँ पर जो शराब की नदियाँ बहेंगी उसका भी एहसास है, तमाम चीज़ें, तो पता नहीं अभी तक कोई जाके आया है बताने के लिए या नहीं आप लोगों को, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको रहता है कि जाना है, जजमेंट डे आएगा, हेल फायर है, जन्नत है, 72 हूरें हैं वगैरह वगैरह। खैर इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहता हूँ सीरीज़ में और आपको वीडियो चाहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नए हैं तो शेयर जरूर करिएगा, और किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करना हो जिस आपको बिल्कुल करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, तरीके दिए हुए हैं, कंट्रीब्यूट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करिए, इस मुहिम में जुड़िए, मुहिम में कौन सी मुहिम में, सद्गुरु वाली मुहिम में जुड़िए, और मंदिरों को मैं रिलीजियस प्लेसेस बोल देता, जनरलाइज कर देता, लेकिन सब आज़ाद हैं, मंदिरों को राज्य सरकारों से मुक्त कराइए, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे, मंदिर शुरुआत से एक कम्युनिटी का कोर हुआ करते थे, उनके थ्रू पालन पोषण हुआ करता था, वहाँ पे वेल्थ हुआ करता था, वहाँ पे नॉलेज हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं कि कोई एक दिन की पूजा परफॉर्म हो सके। खैर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।